Prove the following by using the principle of mathematical induction for all n element of n. So now focus here, ये one से लेके n तक है, p of one show करने का मतलब क्या होगा? P of one मुझे show करना पड़ेगा, validity check करनी पड़ेगी. तो left hand side कितना आया यहाँ पर p of one के लिए one आया. Right hand side कितना आया अच्छे से देखिए, right hand side मेरे पास आ गया 3 square by 8, that is like 9 by 8. Means or 9 by 8 is greater than 1. So, iska matlab kya hai? Ki P1 is valid. Induction, mathematical induction ki help se, agar hum koi result show karna chahte hain, to iska ye matlab hota hai ki hume wo result induction hypothesis mein P of 1 show karna padta hai, phir P of ki ek induction hypothesis manna padta hai. Induction hypothesis ka matlab hota hai ki the result is valid for IH मानना पड़ता है, और result is valid for n equals to k, और इसकी help से ये show करना पड़ता है, p of k plus 1 show करना पड़ता है, result is valid for p k plus 1, इसकी help से. तो induction hypothesis क्या होगा यहाँ पर, 1 plus 2 plus 3 up to n, नहीं k, ये कैसा होगा, ये छोटा होगा, और 2k plus 1 by 8k स्क्वायर से, इसके स्क्वायर से, ओके, ये ऐसा होगा इंडक्शन हाइपोथेसिस से, ये मैंने माना, ओके, अब इसे क्या है, इसकी हेल्प से क्या शो करना रहेगा, 1, 2, अप टू, ध्यान से देखना, k प्लस 1, ये शो करना रहेगा, लेस देन, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2k प्लस 3 आ जाएगा, 3 कैसे आया, 2n के n की जगह k plus 1 लिखा, 2k plus 2 plus 1 whole square by 8 आ जाएगा, बात समझ आ गई. तो ये मेरे पास कितना आएगा, अच्छे से देखिए कि ये मुझे show करना है. अब मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, induction hypothesis की हेल्प ले रहा हूं. तो अब मैंने क्या किया, ये मुझे show करना है, इनफैक्ट ये पॉजिटिव show करना है. तो 2k plus 3 by 8 सही है, होल स्क्वायर माइनस के माइनस वन और माइनस ये नंबर ग्रेटर देन जीरो शो करना है. अब इससे बड़ा नंबर ये है, इससे, तो इसका मतलब क्या है, इस ओवरऑल से छोटा नंबर क्या होगा, जो मैं इसको यहां पर रिप्लेस कर दूंगा. तो ये मैंने क्या किया, 2k प्लस 3 बाई ऊपर ही था स्क्वायर, ध्यान रखना 8 नीचे है, बाय होल स्क्वायर बाय 8 माइनस के माइनस 1, इससे छोटा नंबर है ये, इसको शो कर देंगे तो हो जाएगा काम, माइनस 2k प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 8, ये लिख दिया, सही है, इसको पॉजिटिव शो करना है. अब क्या किया जाए भाई, जो जो समझ में आएगा करते जाएंगे, बनेगा अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं. यहां पर देखिए 8 को कॉमन लिया मैंने, 8 ले लिया, 8 आ गया भाई, और ये क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा. तो a plus b कितना आएगा देखिए, 4k plus 4 आएगा, सही है, और into a minus b कितना आएगा, 2k हो जाएगा, into 2 आएगा, और माइनस k आया, माइनस 1 आया. इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आया k, ये 8k ये k आया, और ये कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस k माइनस 1 जीरो आ गया भाई. तो ये देखिए इससे छोटा नंबर है ये इससे छोटा नंबर है किससे, इस वाले से. तो ये अगर जीरो है तो इससे बड़ा नंबर जीरो से ज्यादा होगा, ये छोटा क्यों है, तो मैंने इस नंबर की जगह ये यूज किया है जो कि इससे ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा सबट्रैक्ट होगा तो छोटा होगा. तो इससे छोटा नंबर अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है. इट मींस आवर रिजल्ट, हमने क्या कर दिया कि जो रिजल्ट था पीके को सही मानते हुए पीके प्लस 1 को शो कर दिया, हमने पीके को सही माना और पीके प्लस 1 को शो कर दिया. इट मींस अब हम कह सकते हैं P1 इज वैलिड एंड इंडक्शन हाइपोथेसिस पीके इंप्लाइज पीके प्लस 1 इज वैलिड, pk plus 1 is valid, induction hypothesis है. ध्यान से देखना, कोई calculation mistake हो तो check कर लेना, वैसे तो नहीं है. ये मैंने ये लिखा k minus 1, अब मैंने इसकी जगह, इस number की जगह ये था, इससे छोटा number नहीं, इससे
बड़ा नंबर लिखा है तो ओवरऑल ये इससे छोटा हो गया और छोटा जीरो आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज हुआ है, कुछ भी नहीं है, वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब उससे बड़ा नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि शो हो गया। इट मींस द रिजल्ट इज वैलिड, वी कैन से द रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल नेचुरल नंबर यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में पी वन शो करना रहता है, एक इंडक्शन हाइपोथेसिस माननी होती है, पी के इज वैलिड एंड उसकी हेल्प से पी के प्लस वन शो करना रहता है, और फाइनली हम कह सकते हैं द रिजल्ट इज वैलिड फॉर दिस, ये कंबाइंडली पी वन एंड दिस इंफॉर्मेशन इम्प्लाइज रिजल्ट इज वैलिड, रिजल्ट वैलिड फॉर ऑल एन एलिमेंट ऑफ एन। ओके,